लगातार जारी वार्डो की पड़ताल के क्रम में बारी आई विधानसभा 3 के वार्ड क्रमांक 58 इमली बाजार की। वार्ड से पार्षद रही कांग्रेस नेता अनवर कादरी की पत्नी जुलेखा अनवर कादरी। आपको बता दें कि क्षेत्र में एक बार अनवर कादरी तो दूसरी बार जुलेखा कादरी पार्षद बनी। तो आइए पड़ताल करते हैं जुलेखा कादरी के पंचवर्षीय विकास कार्यों की, जानने के लिए देखिए प्रियंका पांडे के साथ नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। तो नए दिन के साथ नया वार्ड, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 58, पार्षद रही अनवर कादरी की धर्मपत्नी यानी कि जुलेखा अनवर कादरी। वार्ड का नाम है इमली बाजार। क्या कहता है वार्ड का तस्वीर, क्या कहती है वार्ड की दशा, क्या कहती है वार्ड की जनता, कैसा हुआ कामकाज, क्या जमीनी सुविधाएं पहुंची घर घर द्वार द्वार, तमाम सवाल हमारे और जवाबदेही क्षेत्र की जनता की होगी। जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। गौरतलब है कि पिछले निगम चुनाव में कांग्रेस की जुलेखा कादरी ने भाजपा की शारदा राजू जोशी को तकरीबन 1784 मतों से चुनावी शिकस्त दी। वार्ड में कुल 28 बूथ है और कुल मतदाताओं की संख्या 23,587 है, जिनमें 11,087 वोटर महिलाएं, वही 12,500 मतदाता पुरुष हैं। वार्ड में यदि सामाजिक दृष्टिकोण पर नजर डालें तो वार्ड में कुल मतदाताओं का 35% वोटर मुस्लिम है, वहीं 3500 के लगभग हरिजन समाज के मतदाता है। साथ ही गौर समाज के लोगों का भी एक बड़ा वोट बैंक है। यदि वर्तमान में होने वाले निगम चुनाव पर नजर डालें तो वार्ड पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित किया गया है। इसी क्रम में संभावितों पर नजर डालें तो कांग्रेस से एक बार फिर पार्षद में उतरने को लालायित है। वहीं वार्ड क्रमांक 8 की जनता को 5 साल जरूरी सुविधाओं के लिए तरसाने वाले अनवर 10 तक अब वार्ड 8 को छोड़ वार्ड 58 में टिकट के लिए क्षेत्रीय नेता अश्विन जोशी और महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला के बगले झांक रही है। भाजपा की बात की जाए तो लंबे अरसे से वार्ड कांग्रेस के खाते में रहा, ऐसे में हर संभव फतह तलाश रही भाजपा की ओर से। उषा ठाकुर के बेहद करीबी भाजपा नेता राजू चौहान टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं। वहीं वार्ड संयोजक माधुरी जायसवाल अपने पति के टिकट के लिए लगातार भाग दौड़ कर रही है। भाजपा नेता मनोज यादव भी टिकट के लिए साम दाम दंड भेद में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यदि भाजपा को असल में कादरी का अजय किला फतह करना है तो जमीन पर हर तरह से मजबूत व्यक्तित्व के नाम पर मुहर लगाना चाहिए। बहरहाल वार्ड की असल कहानी जनता की जुबानी, जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं वार्ड के स्थानीय नागरिकों के बीच। पार्षद जुलेखा कादरी के कागजी विकास का चिट्ठा जानने के लिए हमारी टीम वार्ड 58 के गफूर खां की बजरिया, बड़वाली चौकी, इकबाल कॉलोनी, अहिल्या पलटन, मराठी मोहल्ला, गरीब नवाज बस्ती, भिष्टी मोहल्ला, सदर बाजार जैसे सघन मतदाताओं वाले क्षेत्र में दाखिल हुई। हम सबसे पहले गफूर खां की बजरिया में पहुंचे, जो कि बकरों की खरीदी बिक्री के लिए शहर भर में चर्चित है। वो बात और थी कि यहाँ चारों ओर जहाँ देखो वहाँ गंदगी और मक्खियों का अंबार नजर आया। साथ ही क्षेत्र में सफाई कर्मियों की अनदेखी भी साफ तौर पर नजर आई। वहीं स्थानीय रहवासियों की बात करें तो कोरोना लॉकडाउन में अपनों से बढ़ के साथ निभाया अनवर कादरी ने सभी को जरूरी सभी संसाधन उपलब्ध कराए। साथ ही जिनके घरों से पॉजिटिव मरीज मिले उनके परिजनों की आर्थिक मदद तो की ही, साथ ही लोगों को भावनात्मक रूप से भी सहयोग किया। ऐसा हम नहीं, ऐसा कहना है क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों का। देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं हो रहा है। लगातार जनता की जो प्रतिक्रिया है उसको देखते हुए ही पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 58 में मौजूद हैं और हमारे साथ बजरिया के रहवासी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पार्षद का कार्यकाल पिछला कैसा रहा और आने वाला जो पार्षद है उनसे उनकी क्या उम्मीद है। यहाँ से बचपन में भी पैदाइशी नहीं है जी, पैदाइशी नहीं। अभी जब से यहाँ पर से हाजी अनवर कादरी साहब पार्षद बने हैं ना,
जब से यहाँ पर अच्छी साफ सफाई, अच्छा विकास भी हुआ है, आज हमारा मार्केट यहाँ पर बिल्कुल ही गंदगी रहती थी, जो आज हमको यहाँ पर ये खड़े हुए ना, इस हालत में खड़े भी नहीं रह सकते थे। हाँ, पहले ऐसी स्थिति थी और अभी बहुत शानदार काम हुआ है। कोरोना योद्धा, उन्होंने कोरोना के उसमें हम लोगों का, गरीबों का बहुत साथ दिया। मतलब वो लोगों को हिम्मत दिला था। मेरे सगे भाई को जो डॉक्टरों ने उनको हाथ लगाने मना कर दिया था, वो पार्षद अनवर कादरी जी, जो हाजी अनवर कादरी साहब ने, उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, मेरे घर पे गए, मेरे घर वालों को और उसकी प्लस चार लड़कियाँ थी उसको भी हिम्मत दी, जो मेरा भाई आज मेरे साथ खड़ा हुआ है कोरोना के उस काल, कोरोना काल में आज वो हमारे लिए मसीहा बन के आए और उन्होंने मतलब हमारी मदद करी। बिल्कुल वो हर बिल्कुल संतुष्ट हुए मैडम, और वो हमारे सब भाई समझते हैं हमको भी, और हमारे माँ बाप को अपने माँ बाप समझते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल हाजी अनवर कादरी जी पास हुए मैडम, बिल्कुल बस ये आपने बताया ना, अभी भाई ने जो बताया वही कि वही रिपीट है। असल में क्या है कि जो कोरोना काल में उन्होंने जो काम करा, एक पार्षद के अलावा एक जो अलग चीज़ होती है समाज से, उन्होंने ये भेदभाव नहीं रखा कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख कौन ईसाई, सबको लेकर गए अस्पताल वगैरह और सब, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मदद करी उन्होंने। और नहीं, वैसे तो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, यूँ ही बहुत साफ सफाई, बहुत अच्छी साफ सफाई अब होगी, तीन बार होती है यहाँ पर। ये असल में क्या, बकरा मंडी भी है ना, तो बकरा वगैरह लोग चराते हैं, तो उससे वहाँ शोर थोड़ा सा हो जाती है। नहीं, पास है पास। ये इतनी मक्खियाँ हैं मतलब आपकी ये पूरी कॉलोनी में, और गंदगी इतनी ज्यादा है, यहाँ सफाई करनी नहीं आती झाड़ू लगाने वाले, लेकिन आती है जमीन खिलाती है, और कचरा इकट्ठा करने आते हैं कि नहीं आते? पीने का पानी वगैरह पर्याप्त मिलता है आप लोगों को? नर्मदा बोरिंग, नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, पूरे इंदौर के कई इलाकों में गंदे पानी की शिकायत है कि नर्मदा का पानी गंदा आता है। आपके घर में भी नर्मदा गंदा पानी आता है? हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग तो बोरिंग, नर्मदा का गंदा पानी आता है। पार्षद का सहयोग मिलता है इन सब में आप लोगों को? पार्षद एक नंबर है, एक नंबर पार्षद, बोलने की जरूरत ही नहीं है। लॉकडाउन वगैरह में आपके पार्षद का सहयोग मिला आप लोगों को? मिला सहयोग, उनका तो हर बात में सहयोग देता है, हर चीज के अंदर। आपके पार्षद हाजिर रहते हैं, आज आपको पूछा तो हाजिर। नाम क्या आपके पार्षद का? अनवर कादरी, अनवर कादरी, एक नंबर पार्षद है, बोलने की जरूरत ही नहीं। अभी मैं फोन करता हूं, वही आएंगे। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास हुए कि फेल हुए? नहीं, पास है ना, पार्षद पास है, पास है, पास है। जुलेखा कादरी, अनवर कादरी एक ही तो है, नाम ज्यादातर उन्हीं का चलता है, अनवर जी का चलता है, काम तो वही। जुलेखा कादरी कब देखा था? वो तो आते रहते हैं हमारे वार्ड में। क्या नया काम किया जुलेखा कादरी ने आपके क्षेत्र में? ये जितने भी काम हुए हैं और हो, नया क्या काम, जितने तो बहुत सारे काम, ये नाम नया काम नहीं दिख रही आपको? जो काम हो जितने भी होते रहते हैं ना, सब वार्ड के पार्षद ही करते हैं। हाँ, पीने का शुद्ध पानी मिला 5 सालों में आपको? साफ पानी एकदम मिला ना, पानी मिल रहा पीने, मिलता ना, साफ सफाई की व्यवस्था तो फिर हमको दिख रही है कि बहुत अच्छी है। वो तो ये मंडी के हिसाब से लग रहा है आपको, इन तो अभी आप शाम को आओगे तो सभी चकाचक मिलेगा आपको यहाँ पे। मंडी वैसे, ये मंडी के वजह से रहता है, मंडी खत्म होने के बाद में शाम को फिर वापस इसी किसी रहता है, चम नहीं जाता। आपकी नजरों से आपके पास पास हुई कि फेल हुई? पास हुई। अगली कड़ी में हम व्यापारिक और रहवासी क्षेत्र बड़वाली चौकी पहुंचे, तो यहां भी महज कॉलोनी ही बदली, परंतु गंदगी का आलम वैसा ही बना रहा और जनता की प्रतिक्रिया भी वैसी ही। यहां भी पार्षद अनवर कादरी ही रहे, जो कि चुनाव बाद से सक्रिय रहे और चुनाव के विपरीत दौर में लोगों की हर प्रकार से मदद करते रहे। साथ ही कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि पार्षद बेहद संवेदनशील है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वार्ड में लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। वो बात और है कि कोई एक नया काम बता पाने में जनता नाकाम रही।
पांच साल कैसे रहे आपके लिए ये पांच साल जो बहुत गुजर बहुत तकलीफ में बहुत तकलीफ किन किन बातों की तकलीफ आई हर चीज की तकलीफ है अब क्या करना क्या साफ सफाई की गाड़ियां आती है दीदी गाड़ी नहीं आती वो तो पीछे आती ना कचरे की गाड़ी उधर जाना पड़ता हाँ। है सफाई करने वाले आते हैं कि नहीं आते वो आते पीने का पानी दीदी अच्छा मिल रहा है आपको बोरिंग का पानी पीते नर्मदा नर्मदा नहीं है बोरिंग अच्छा नर्मदा कनेक्शन किसी के वहाँ नहीं है आपके वहाँ नहीं है नहीं है नल नहीं है नल नहीं है बोरिंग वगैरह इतना होता आइडिया नहीं हाँ बस ये सड़क है जरा बनवाई साफ कराइए खरा इतना आइडिया नहीं हम तो ज्यादा नहीं निकलते ना बाहर पीने पीने का पानी मिल रहा है हाँ सब बराबर बोरिंग है नर्मदा है बोरिंग है भी नर्मदा भी है हाँ इधर ही बोरिंग है इधर आगे भी है हमारा घर का नल है मतलब हाँ कोई बात की परेशानी नहीं कोई परेशानी सब बहुत अच्छी हो रही है लॉकडाउन वगैरह में आपके पार्षद आए आपके पास हाँ आए थे ना हाँ पहुँचा आप संतुष्ट हुए आपके पार्षद के कार्यकाल से हाँ अच्छे हम तो खुशी है आपकी नजरों से आपके पास के पास है पर मक्खियां बहुत होती है फिर भी अब वो मक्खी क्या हुआ ये दुकान वुकान है इसकी वजह से ये खुद ही जागरूक नहीं है आप लोग सफाई के लिए पार्षद तो आके बार बार साफ करेगा नहीं नहीं वो तो है हम तो रोज ना धोते करते हैं हमारे हिसाब से ये बोरिंग है हम तो धोते जाते हैं हाँ पानी ने सब ये बोरिंग है सरकारी भाई की वो लाइन नहीं है हमारे यहाँ नर्मदा की लाइन नहीं तो ये बोरिंग खराब है जब दिक्कत आती है तो उधर से लेना पड़ता है उनको हमने ये सड़क बोला भी था कि इसके नर्मदा की लाइन डाल अभी तो नहीं बाद में डलवा दी अरे नहीं नहीं पार्षद ने काम अच्छे किए ना आज तक देख ही रहे हैं यहाँ से जो काम करते आ रहा है पार्षद अनुराग कादरी साहब अच्छे काम किए और आज 10 साल से पार्षद इससे पहले वो खुद पार्षद थे निर्दलीय खड़े हुए थे उसके बाद में पार्टी ने टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने आपकी उम्मीद है अल्लाह को मंजूर हुआ तो एमआई में आने की उम्मीद है अगर पार्टी टिकट नहीं दिया उनको तो हाँ पूरे मोहल्ले के लोग खुश है समाज खुश है नहीं सबसे बड़ा मसला भी तुम्हारे सामने जो पिछले साल मार्च के अंदर कोरोना के मामले में जो हालात बने थे उसके अंदर पाकिजा वाले नौशाद भाई ने काम किया सैयद गुलराज अली ने काम किया अनवर कादरी साहब जो पार्षद हैं इन्होंने साथ में लेकर सबने टीम ने सबने काम किया लोगों यहाँ राशन पहुँचाया मरीजों को अस्पताल लेकर गए और प्रशासन का भी सहयोग किया प्रशासन ने मदद मांगी इन लोगों से आप बेशक खुश है ना नहीं पार्षद तो पास ही हुआ ना फिर का सवाल ही पैदा नहीं मतलब अब्दुल राजीव बाबा बड़वाल सिंह एसोसिएशन अध्यक्ष अब हम पहुंचे इकबाल कॉलोनी यहां भी पार्षद अनवर कादरी ही है जुलेखा कादरी को तो लोग जानते तक नहीं है यहां भी साफ सफाई की व्यवस्था चरमाई हुई है पर बिजली सड़क पानी की व्यवस्था दुरुस्त है पर क्या 5 साल में कोई नया काम हुआ इसकी जानकारी उन्हीं को नहीं जिनके लिए विकास किया पार्षद ने एक ऐसा इंसान है 1000 इंसानों में खड़ा कर दोगे तो वो एक ही लिख लेगा बड़ा लायक आदमी हाजी समझदार आदमी और हम जैसे गुजरों को की इज्जत भी करता है देश की भी इज्जत करता है वो बहुत समझदार है वो और अल्लाह उसको इज्जत दे और अल्लाह उसको जिताए हमारी दुआएं उसके साथ चल रही है देखते भी अगर अपन कोई शिकायत करते हैं तो कार्रवाई भी करते हैं सुनवाई भी हो जाती है साफ सफाई हाँ सुबह में झाड़ू वाड़ू लगती है कचरा गाड़ी आती है हाँ सही ढंग से यही थोड़ा ये सब ये पेड़ वेड़ का भी गिरता करता है थोड़ा और करते भी है लोग गंदा हाँ और कचरा गाड़ी पे भी डालते तो आता वो गिरता है ये है कि थोड़ा ढंग से वो डालने वाले भी डाल देना तो सही रहे बढ़िया बहुत बढ़िया काम कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे अभी पीछे की ड्रेनेज लाइन करवाई थी ना पीछे वाली सही उन्होंने हाँ ये हुआ अभी और सड़क का भी करवाया था हाँ ये सड़क बनवाई थी पानी के लिए भी कोई परेशानी हाँ सब आ रहा है पानी की प्रॉब्लम सब सब पूरी पूरी तो जीतेंगे ना जी पक्का काम करवाते हैं ना वो नहीं नहीं पास हम पहुंचे अहिल्या पलटन यहां भी सवालों के जवाब में केवल दो जवाब नहीं बदले एक तो पार्षद कोरोना में सक्रिय रहे साथ ही जनता के लिए बेहद आसानी से उपलब्ध है वह गौर करने का विषय रहा कि पार्षद ने पिछले 5 साल में कोई उद्यान निर्मित नहीं किया जिससे लोग खाली समय में हरियाली का आनंद ले सके नहीं वो तो पीछे डली नई लाइन तो वहाँ से नहीं तो ये दूसरे के वहाँ से भरना पड़ता है
बहुत समय से परेशान है पानी के लिए। पार्षद ने कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? पार्षद ने डलवाई नई लाइन, मगर वो चालू नहीं हुई अभी तक। चालू नहीं हुई? हाँ, दो दो बार आपके पार्षद लॉकडाउन में आए कि नहीं आए? आप आए ना? आए, राशन वगैरह पहुँचाया? संतुष्ट हुई आपके पार्षद के कार्यकाल से? हमारा पार्षद तो अच्छा है, जब जाते जब मदद करता। सक्रियता? हाँ बिल्कुल रही, बिल्कुल। गरीबों को खाना वगैरह पैकेट वगैरह उनने सब दिए। मतलब नया काम आपके अहिल्या पल्टन में हुआ? 5 सालों में नया काम तो एक वो जो कम्युनिटी हॉल है उसका भी जीर्ण उद्धार कर रहे हैं। इधर एक मंदिर है उसमें भी उन्होंने सहयोग किया है, और ये पेपर वगैरह लग रहे हैं। हाँ काम अच्छा गया, संतुष्ट संतुष्ट। अच्छा एक नंबर काम, बहुत संतुष्ट है आपके पार्षद से? बहुत अच्छी। पास हुए कि फिर? नहीं, हमारे इधर से तो पास ही नहीं। अब हम पहुंचे मराठी मोहल्ला। जब हम पहुंचे तो लोगों में गंदगी भरी हुई नालियां और गंदे पानी को लेकर नाराजगी दिखी, लेकिन अनवर कादरी उनकी नजर में सशक्त जनप्रतिनिधि है जो हर परिस्थिति में लोगों के साथ रहते हैं, साथ ही आसानी से उपलब्ध है। जब चुनाव वगैरह होते हैं, कुछ कार्यक्रम कुछ करना होता है, जब आते हैं और उसके बाद में फिर देख ये इस पूरे वार्ड में एक पहली महिला इस महिला दिवस पे हमको मिली है जो काफी डेयरिंग मिली, जिनने मुंह तोड़ जवाब दिया अपने पार्षद को कि पार्षद महज चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आते हैं, और वोट मांगने के बाद कहां हवा हो जाते हैं पता नहीं चलता। अच्छा ये जो चुनाव जीत जाने का गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनकी सूरत नहीं देखते। चुनाव आपको लगता है कि वोट देना चाहिए? वो घड़ी घड़ी रैली में आएंगे तो देना तो पड़ेगा उनको। बार बार आते हैं वो तो मांग के लेते हैं, मुंह से मांग के लेते नहीं, वो फिर आप दे देती हैं, देना पड़ता है वो। आपकी नजरों से अनवर कादरी पास हुए कि फेल हुए? किसी ने किसी को काम काज के रूप में पास हुए कि फेल हुए? जैसे कादरी साहब अच्छे हैं थोड़ा काम करने। हाँ काम किया आकाश विजयवर्गीय? अच्छा बढ़िया कर रहे हैं। हाँ आया आया आया। हाँ बिल्कुल संतोष है। मेरा नाम पार्वती कश्यप। हम संतुष्ट तो नहीं है, बात ऐसी है कि हमारे क्षेत्र में लाइन, ये अभी एक काम इनने ये बहुत बढ़िया करवाया है कि ये मीठे पानी का लाइन डलवाई है यहाँ। ये सब किसी के पास मतलब कनेक्शन नहीं थे, तो जब उनने ये काम बहुत बढ़िया करवाया नर्मदा लाइन का, पानी मिल गया, पानी सबसे मेन चीज थी, पानी वो मिल गया गल। हाँ संतुष्ट है बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम सेवा किया, बहुत सेवा किया, बहुत बढ़िया। नहीं अभी होना चाहिए, वो ये व्यक्ति होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। नहीं ऐसा तो कुछ देखा नहीं हमने, नया काम तो करा होगा, मेरे को नॉलेज नहीं, मेरे को याद नहीं। नहीं काम तो किया उन्होंने, बहुत अच्छे काम किए, ये बात सही है। पहचानते जी अनवर कादरी जी, एक नंबर काम है उनका, दूसरा कोई भी नहीं है, सुपर काम, सुपर सुपर। वो हर किसी के लिए नया काम करते हैं, पूरा कोरोना में जंग लड़ी उन्होंने, कोरोना की पूरी जंग लड़ी, कोई विधायक भी लड़ेगा, सांसद भी लड़ते जंग लड़ी। अब हम पहुंचे वार्ड के सर्वाधिक मतदाताओं वाले क्षेत्र भिष्टी कॉलोनी में, जहां गंदगी और नालियां भरी हुई ही मिली। नर्मदा की लाइन नहीं है, लेकिन पार्षद पति की सक्रियता से लोग खुश है। वो बात और है कि नंबर वन का गुरूर इन्हीं क्षेत्रों के कारण टूटता नजर आता है। अनवर कादरी लॉकडाउन में हर घर पहुंचे, लेकिन शायद उन्होंने 5 साल में लोगों के साथ जनसंपर्क करके अलावा कोई विकास काम नहीं किया, क्योंकि लोग एक भी काम नहीं बता पाए। एक फ़ोन पे आ जाते हूँ, कुछ भी काम हो, अगर चेंबर साफ़ करवाना, कुछ भी करवाना, अगर किसी की परेशानी भी हो, अगर उनको हल करते हैं, मतलब बोलते हैं, तो उसी वक्त खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छे हैं, गरीबों का इतना साथ दिया है कि उन जैसा पार्षद ही कोई नहीं अभी क्षेत्र, बहुत दिया है। यहाँ से मत सबसे पूछो, पूरे मेरे घरों में मैंने मंगाया है बोरी है उस, हाँ मैंने यहाँ से इस कोने से लगा के तो उस कोने तक, चलो मेरे साथ। हाँ सबको बांटा है, सबको यहाँ से लगा ऊपर तक, सबको
और इस कोने से लगा के तो उस कोने जहाँ जहाँ मैं बोल देती थी ना। हाँ बहुत बहुत अच्छा। हाँ कोई नहीं कुछ नहीं, फोन करती हूँ जो बोलती हूँ वो सामान हाजिर, किसी भी कोई तकलीफ हो कुछ भी हुआ। हाँ बाजी जी बाजी बिल्कुल फौरन कर देते हैं। बहुत अच्छे में के तू जैसा कोई पार्षद ही नहीं है सेना। जी हाँ अनवर कादरी बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाँच साल में नया काम तो कुछ भी नहीं हुआ, कि जो काम किया था बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। साफ सफाई बढ़िया रहती है यहाँ पर, ये रोड बनवाया है इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। नर्मदा का भी है, बोरिंग का भी है। जी हाँ पूरी तरह संतुष्ट है बिल्कुल। बाकी अभी कौन खड़ा होता है ये निश्चित नहीं है ना। हाँ जी हाँ पास है, काम किया उन्होंने। क्या होती है भैया कुछ समय बाद निगम के किसी चुनाव होने हैं, अब तो तारीख घोषित नहीं हुई ना। क्या लगता है अगर तारीख घोषित हो जाती है तो क्या अनवर कादरी को अवसर मिलेगा? बिल्कुल अगर मिलेगा तो जिताएंगे ना उन्हें। क्या लगता है अवसर मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना उनको तो, और मिला तो बिल्कुल जिताएंगे, क्योंकि हमारे वार्ड के लिए उन्होंने बहुत सारे काम करे। आपका नाम? शफीक खान। आप लोग यहाँ बस्ती क्षेत्र में पैदाइशी हुए हैं? सुविधाएं मिली हैं आप लोगों को कि नहीं? नहीं अनवर कादरी साहब से बहुत सुविधा देते हैं वो तो, सामान अमान भी देते हैं। वन में बहुत सामान दिया उन्होंने, कई बार घर दे के गए, वहाँ दुकान पे भी दिया उन्होंने। पानी वगैरह भी अच्छे मिल रहे हैं, नर्मदा का भी है, नर्मदा का। नहीं नहीं अभी तो दिक्कत नहीं है, अभी तक तो नहीं हुई है अभी तक तो। हाँ जी साफ सफाई भी मतलब बिल्कुल संतोष है, मतलब है आप बिल्कुल पास। पास शुरू से यही रह रहे यही रह रहे हैं। जी हाँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ अनवर कादरी हाँ बस अभी बोरिंग करवाया था, अभी उधर ही उधर एक आधी बोरिंग कराया, यहाँ तो नहीं इधर नहीं करवाया। मुझे नहीं पता, मैं नई हूँ। अब आगे हम बस्ती क्षेत्र पहुंचे, तंग गलियों तक विकास तो नहीं पहुंचा, परंतु शायद पार्षद पति और पार्षद जनप्रतिनिधि लगातार सक्रिय रहे, इसलिए जनता पार्षद के प्रति पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर आई। वहीं जब हम सदर बाजार पहुंचे तो यहां भी लोग एक भी कोई नया काम नहीं गिनवा पाए। बस ये पता है कि कोरोना में जब सभी ने साथ छोड़ा तो पार्षद पति श्रीमान कादरी जनता के बीच हमेशा सक्रिय रहे। अरे हम तो बहुत खुश है, हाँ, और टिकट दिलाओ हमारे अनवर को, हम साथ में है। हाँ उनका तो, अरे उनका तो बहुत बढ़िया है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। हाँ जरा सा झूठे सुनते और आ जाते हैं मदद के लिए। हाँ बहुत लॉकडाउन के अलावा भी अगर अच्छे में भी बुलाते हैं तो आके खड़े हो जाते हैं, हाँ मदद करते हैं। हाँ बना रहा है और पूरा मतलब कोई झूठा भी कह देगा कि उसका घर में नहीं है तो आके खड़े हो जाते और दे देते हैं चुपचाप, पता ही नहीं चलता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1,78,000 रुपए का नया वो बनाया कमेटी, बहुत अच्छा काम करा, हर आदमी के लिए। और पार्षद आधी रात को सुनता हम लोगों के, जैसा बोले वैसा करता। मदद तो बहुत करी लॉकडाउन में, बहुत करी मदद, ऐसे भी करते ना लोग। कोई भी मैयत हो जाती, कुछ भी हो जाता तो वहाँ भी डोनेशन बहुत देते हो। पार्षद अनवर कादरी जी बहुत शानदार, हाँ अरे इतनी मदद करी को भगवान भी नहीं कर सकता। सब ड्रेनेज लाइन भी बना दी और रोड वोड भी सब बनवा दिए, सभी करवा दिया काम तो, नहीं पहले से नहीं था। बहरहाल वार्ड 58 के बाद जल्द रुख करेंगे अगले वार्ड की ओर, हमारे सवाल तो वही होंगे पर पार्षद के चेहरे और वार्ड बदल जाएंगे, बेनकाब होंगे आपके अपने जनप्रतिनिधि। तब तक के लिए बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ, देखिए नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। तो वार्ड क्रमांक 58
भवन इमली बाजार पार्षद जुलेखा अनवर कादरी का रिपोर्ट कार्ड हुआ तैयार। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में क्या नया मिला क्षेत्रीय जनता को, ये तो उन्हें नहीं पता, परंतु ये घर घर जानता है कि अनवर कादरी ने जो संवेदनशीलता लॉकडाउन के दौरान दिखाई, जो सक्रियता दिखाई, वही कारण है कि लोगों के दिल में नई जगह और विशेष जगह बनाने में कामयाब हुए। यही कारण है कि अपने एक दिवसीय सर्वे में हम जुलेखा अनवर कादरी को करते हैं पास। पास 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 है ना, पास है हमारी नहीं, पास है, पास है, पास है, पास है, पास है, पास है, पास है। एक नए शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ फिर होंगे हाजिर एक नए वार्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।